ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम है ममता शर्मा, मैं केयर एंड वेलफेयर ट्रस्ट में विषय टीचर हूँ। तो आज हम लोग नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए। 28 फरवरी को हर साल नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करा जाता है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं। तो हमने कुछ कुछ कोटेशंस लगाई है, बीकर्स लगाए हैं, टेस्ट ट्यूब्स लगाई है, जो हमारे साइंस डे में यूज होती है, हमारे साइंस लैब में यूज होती है। जब आप बड़े हो जाओगे या विथिन 10 आप लोग साइंस सब्जेक्ट लोगे, तो आपको ये सारे इससे यूज करवाए जाएंगे साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज ऐसे ही हमारे केयर इंडिया वेलफेयर ट्रस्ट में बच्चों ने बहुत क्यूट क्यूट मॉडल्स और कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स बनाए हैं। तो सब बच्चे ग्रुप में उसको करके दिखाएंगे और अपने अपने मॉडल्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं। कोई तो रीजन रहा होगा ना, कोई डे सेलिब्रेट करते हैं अगर हम लोग, तो उसको कोई रीजन रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सी वी रमन, तो हम सर सी वी रमन कहते हैं, तो उनको साइंटिस्ट थे, हम लोगों की तरह ही थे। हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनकी फैमिली में पढ़ाई क्या होती है आईटी में उनको पता ही नहीं। बट उनका एक सपना था कि उन्हें कुछ ऐसा काम करना है कि शायद वो वर्ल्ड में किसी ने भी नहीं किया। साइंटिस्ट तो वही होते हैं ना जो किसी की खोज करते हैं। मान लो पेंसिल की खोज हुई तो वो भी किसी ने करी होगी, नहीं पेपर की हुई वो भी किसी ने करी होगी। तो वो अपने आप को एक डिफरेंट दिखाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा, एक बार वो जा रहे थे तो उनको शिप में जाने थे। वो शिप समझते हो ना क्या होती है? नाव। ठीक है, तो क्या होता है, एक सन होता है, सन की जो रिफ्लेक्शन होती है वो शिप पे पड़ती है और वहां से वो रिफ्लेक्ट होके जो पानी होता है, पानी का कलर नहीं दिखता, बादलों का कलर पानी में बदल जाता है, डेटा और रिफ्लेक्शन। इसी से इस लॉ का नाम, वो यहाँ से आया रिफ्लेक्शन और इस डायरेक्शन में गया। इस लॉ को हम सी वी रमन लॉ बोलते हैं। इसी रीजन से हमारा जो नेशनल साइंस डे है वो हर साल 28 फरवरी को हर एक स्कूल हर एक कॉलेज के अंदर सेलिब्रेट करा जाता है। तो इसी के साथ केयर एंड वेलफेयर ट्रस्ट के बच्चों ने आज छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, छोटे छोटे मॉडल्स बनाए हैं। तो मैं चाहती हूँ बच्चे अपने मॉडल्स सबको एक्सप्लेन करें। थैंक यू। आज हमने साइंस डे का एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम लंग्स मॉडल। जब हम सांसें लेते हैं तो हमारी लंग्स फूल जाती है, जब हम सांसें नहीं लेते तो हमारी लंग्स फूल हो जाती है। देख सकते हैं कि हमारी ये लेयर्स ऑफ सॉइल 4 लेयर से बनती है। पहले आती है टॉप सॉइल, ये टॉप सॉइल हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल होती है। सेकंड होती है हमारी सब सॉइल, थर्ड होता है पेरेंट मटेरियल और लास्ट में होती है बेडरॉक। कंप्यूटर और ट्यूशन पढ़ने आती हूँ और आज हमने साइंस का मॉडल बनाया अपनी टीम के साथ। गुड इवनिंग, मेरा नाम नीना है, मैं केयर इंडिया वेलफेयर ट्रस्ट में स्टार्ट करती हूँ। आज हमने ये मॉडल सोलर सिस्टम पे बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हमारी सूर्य की लाइट होती है, जो सूर्य की रेन होती है, लाइट होती है वो जब ये बोर्ड्स जो ये बोर्ड बनाए होते हैं इन पे पड़ती है तो इनसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और आज ये हमारे विलेज में देखने को मिलता है कि जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ हमारी सरकार इन चीज़ों का इस्तेमाल करती है और प्रयोग करती है ताकि सभी को बराबर इलेक्ट्रिसिटी और मिल सके। और मैंने आज बच्चों के साथ एक छोटा सा वाटर साइकिल बनाया है जिसका मेन यह बच्चों को समझाना कि हमारी जो रेन है वो कैसे होती है, जैसे कलेक्शन होता है नदियों में समुद्रों में, फिर वहाँ से सूर्य की जो सूर्य अपनी ऊर्जा से उसका वाष्पीकरण करता है, उसी से ये क्लाउड्स बनते हैं बादल, फिर ये जाके हमें कलेक्शन होने के बाद जितना भी वाष्पीकरण हो जाता है और उसमें बारिश की बूंद
सूर्य का रूप ले लेते हैं और बारिश होनी शुरू हो जाती है। फिर दोबारा से ये सारा हमारा जो बूंदे है समुद्र में मिल जाती है और इसी तरह से ये साइकिल ये चक्र चलता रहता है, इसलिए इसको वाटर साइकिल बोलते हैं या जल चक्र। अगर हम ये अपना लेंगे तो हमारी जो सिटी है वो ग्रीन हो जाएगी और दिल्ली को दूषित सिटी नहीं ग्रीन सिटी। प्रोजेक्ट बनाया जिससे हमें वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है वो मैं दिखा रही हूँ। इसमें पहले हम सॉल्ट डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हमने जो दो पेंसिल्स ली है उसको इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद हमने एक बैटरी ली, उसको ऐसे लगाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि नीचे यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स आएंगे। इसमें जो छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं वो हमारी वाटर की इलेक्ट्रिसिटी है, जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनी है। वेरी गुड। क्योंकि इसमें एक उत्तल दर्पण होता है ग्लास में जिसके कारण ही ऐसा होता है। और हमने देखा हुआ कई बार जब हम टैक्सी या कुछ चलाते हैं, जब हम बाइक मोटरसाइकिल या कुछ कार चलाते हैं उसमें हमारे साइड जो लगे होते हैं शीशे उनमें भी उत्तल दर्पण होते हैं जिससे कि हमें पीछे की चीजें दिखती है साफ साफ और सीधी दिखती है। एम्बुलेंस में भी एम्बुलेंस उल्टा इसलिए लिखा जाता है ताकि वो सामने वाले उत्तल दर्पण पे सीधा दिखाए। मैं कैरिना वेलफेयर ट्रस्ट का स्टूडेंट हूँ कंप्यूटर क्लास का, और आज मैंने साइंस नेशनल साइंस डे पे मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था बनाया है जो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये केमिकल जो होता है वो पानी में घुलता नहीं है और इस वजह से ये अपना ये एक जगह पे स्थित नहीं हो रहा था और घूमे जा रहा था, जिस वजह से ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको दिखाया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें एंड नीचे बेल आइकन आ रहा है उसको क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।